हेलो गाइस, वेलकम टू गौरव यादव ब्लॉग्स। तो अभी आप देख सकते हैं, इशार आए हुए थे किसी काम से, तो अभी वो छोटा सा काम था, अभी वो हो चुका है। और अभी बाकी देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है, देखते हैं इशार में क्या देखने की चीज़ है। तो वहीं आपको लेके चलता हूँ, ब्लॉग में बने रहो, मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। देखते हैं कहाँ कौन सी अच्छी जगह है, बाकी देखते हैं बाकी दिन का आज कैसा ब्लॉग रहता है, आज का दिन कैसा जाता है। वैसे 3 तो बज चुके हैं, देखते हैं अभी क्या रहता है। पी ओ पी जिंदल पार्क आ चुके हैं, आपको पार्क दिखाता हूँ यहाँ का हिसार का। ओम प्रकाश जिंदल पार्क है जिसमें हम अभी आए हुए हैं, तो अभी दिखाते हैं ये कैसा है। काफी बड़ा पार्क है, पार्क क्या था। तो गाय जिस पार्क में यह एक ही चीज देखने की मिली है, देखता रहो ऊपर तक देख लो, काफी ऊपर तक है, ऊंचाई तो पता नहीं है इसकी। कि आईफल टावर से आयो सुन लिया होगा, कौन सा टावर है, कौन सा आईफल टावर है बेरो ना भाई। तो बाकी चलते हैं अभी उस साइड देखते हैं। एक और मैं एक चीज और ऐड करूं, सोच के दोनों आए थे आगे, मैं कहूंगा देख यो, सोच के दोनों आए थे गाइस जाके अच्छा अच्छा देखने मिलेगा कि नहीं, लेकिन इतना खास भी पार्क नहीं है जैसा गूगल पे दिखा रखा था। वैसे सही है। सो गाइज, पार्क के आने के बाद अभी आए हुए थे, फिरोज शाह का तहखाना है वहाँ पे आए थे, तो देखते हैं ये फिरोज शाह का महल है, इसको देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं बैक कैमरे से, अभी फ्रंट से तो दिखेगा नहीं। गाइज पहले चलते हैं तहखाने की तरफ नीचे। तो ये फिरोज शाह था, उसके महल के तहखाने हैं। अभी तो इन्होंने सामान भर रखा है जो इसको चलाता है, देखभाल करता है इसकी। हाँ भाई देख लो आप, ये पुराने समय के तहखाने है, ये उनका ही सामान रखा है। नीचे तो यही था देखने का, बाकी अभी चलते हैं। अच्छी जगह मिल गई देखने की, पार्क में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन यहाँ तो काफी अच्छी जगह मिल गई देखने की। बोर हो गए थे क्योंकि वहां कुछ अच्छी देखने की जगह नहीं थी। ये है इसके तहखाने, चलते हैं अभी इनके अंदर। लाइट ऑन कर ले, लाइट की क्या जरूरत है भाई, की है ये तहखाने, देखते हैं अभी ऊपर क्या है। ये फिरोज शाह है, उसका महल था और उसी का ही तहखाना है। ये अभी तो ऊपर आ गए हैं, ये आप उधर देख सकते हो, ये इसी का हिस्सा है उस साइड। ये महल का गुप्त द्वार काफी बड़ा है, आपको सारा ही दिखाऊंगा घूम घूम के, टाइम तो लगेगा ही। ये इनके गुप्त द्वार थे ऊपर महल के। अरे यार, नीचे काफी अंधेरा है, फोन की लाइट चासना। फोन दी लाइट चास के, आवाज भी आ रही है कुछ अंदर। तो ये है इनके तहखाने, इसमें अभी तो मुझसे घूम रहे हैं चूहे। चलो घुसान अंदर, नहीं नहीं मंडर लग रहा है, इस साइड ना इस साइड चल रहा। ये सारे इसी के, ये फिरोज शाह के तहखाने, ये बाहर की साइड झाकने के लिए, ये ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ पे अंधेरा है ना, इसलिए आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा। वैसे फोन की लाइट भी जला रखी है मैंने,
ये देखो घूम के यहीं से गए थे उस गेट से और घूम के इस गेट से आ गए हैं। सो गाइज देख लो, डर लग रहा है इसमें काफी। काफी अंदर तक है, इस साइड भी घूम फिर के। तो ओ भाई गाइज अभी नीचे से आए हैं, अंधेरा है यहाँ के, थोड़ा सही अच्छा सा लग रहा है। ये रहा, तो नीचे काफी तेज तेज आवाज आ रही थी इसलिए हम अंदर नहीं गए भाई। सच्ची बताऊं डर लग गया मुझे तो, इसका तो पता नहीं इसलिए मैं नहीं गया अंदर। भाई मैं तो कह रहा था चल अंदर, पर ये भाई डरता है कुछ ज्यादा है, मैं क्या करूं भाई। क्या पता फिरोज शाह की आत्मा घूम रही है भीतर है। हाँ तेरे ना आत्मा लिपट सारी आपके। बाकी दिखाते हैं आपको अभी। तो अभी इस साइड आपने उस साइड तो दिखाई दे, ये यहाँ से ये एक नीचे यहाँ से जाता है, ये तहखाना ये किस लिए है? ये कोई पानी वगैरह भरने के लिए था, काफी साल पुराना है ना, सन 1453 का है ये, लेकिन अभी भी ज्यादा वो नहीं है अच्छा ये दिखने में। तो पत्थर से बना हुआ है सारा, और वो भाई ऊपर से फोटो ले रहे हैं। चलते हैं अभी यहाँ इसके अंदर, दिखाते हैं आपको, उस साइड भी चलेंगे। अभी ये और आपको कैमरे में दिखाया तो वहां पे है, इसके अंदर चलते हैं देखते हैं क्या है। महल ही है महल से भाई, महल राजा फिरोज शाह को जय जमाना में कितना तगड़ो महल बना रखे हो। गिरने का भी डर है, कुछ दिख ही नहीं रहा है कैमरे में, अभी दिखाई देगा इस साइड। अच्छा ये इधर गेट बंद है, ये इस साइड और भी नीचे है। हाँ अभी और भी नीचे बचा हुआ है नीचे तहखाने में चल भाई। तहखान, सच में पूरा तहखाना यही है। तो राजा फिरोज शाह ने अपनी सुरक्षा खातर बना रखा तो ये नीचे, बिल्कुल नीचे आ चुके हैं हम अभी। आवाज ये इधर भी आ रही है, पता नहीं क्या है, अंदर जाएंगे नहीं पता ना क्या हो। ये देख लो, देख लो, ये देखते हैं क्या है, पता नहीं क्या था उसी टाइम का ये। बाकी बाहर जाके देखते हैं। यहाँ से वो लड़ाई वगैरह होती थी ना, तब जाते थे यहाँ से फास्ट, वहां पे सैनिक खड़े रहते थे, इस पे खड़े रहते थे सैनिक, सारे यहाँ पे खड़े रहते थे। बाकी चलते हैं अभी वहां पे चलेंगे अंदर, देखते हैं। नहीं जाऊंगा अंदर तो नहीं जाऊंगा मैं, डर लग रहा है। वैसे कैमरा जूम करके दिखा देता हूँ, आवाज आ रही है कुछ अजीब अजीब सी, नहीं तो अंदर भी चला जाऊं। इधर से तो गेट नहीं है, अंदर से ही चलना पड़ेगा। तो तो यहाँ पे खत्म हो रखा है ये है इस महल का बॉर्डर। अभी इधर ये मार्केट है, इधर ये महल है,
अभी आपको वहाँ वो और दिखाऊंगा, वो और बच रहा है, बाकी तो दिखा दिया है। अंदर जाता नहीं, डर लगता है मुझे। जिनमें जाने के लिए उधर से आना पड़ेगा। बाकी मैंने नीचे जाके आप लोगों को दिखाई दिया था। जिसमें अंदर जाया नहीं जाता क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा है और ऊपर से अजीब अजीब सी आवाज भी आ रही है जिससे डर सा लग रहा है। और पहली बार वैसे आए हैं ये, ऐसे यहाँ से जाना पड़ता है इनमें, और अंदर अंधेरा ही अंधेरा है तो जाते नहीं है। बाकी अभी आपको इस साइड से दिखाता हूँ, ये देख लो इस साइड से। देखते हैं अभी नीचे चल के। अब नीचे कहाँ, अभी तक तो आपको फिरोज शाह के तहखाने दिखाए थे और अभी दिखाने जा रहा हूँ उसका महल। तो व्लॉग में बने रहिए, देखिए चलते हैं महल की साइड। ये है उसका महल लाट, ये है उसका महल। इधर बंद कर रखा है ये, और ये इधर पानी के लिए था। और ये पता नहीं किसके लिए था, काफी ऊंचा बना रखा है। और बाकी तो आप यहीं से देख लो, इधर कबूतर ही कबूतर है। काफी सन 1453 का है इसलिए यहाँ पे सब कुछ टूट फूट चुका है, लेकिन अभी बचा हुआ है। ये अंदर नीचे जाने का रास्ता है, ये इसमें पानी भरा रहता था स्नान के लिए। बाकी आप व्यू देख सकते हैं सारी। और चलते हैं बाहर की साइड, अंदर से तो आप लोगों को दिखाई दिया है। हाँ ये देखो ऊपर की डालियाँ, अभी मिलते हैं आपको इससे बाहर जाके। अभी आपको दिखाता हूँ जहाँ से ये सैनिक होते थे ना, वो बंदूक वगैरह रख के चलाते थे ऊपर, हवा में कोई दिक्कत आती थी तब तो यहाँ से वो बंदूक रख के और ऊपर की साइड चला देते थे। बाकी अंदर नीचे का सभी जगह पत्थर ही पत्थर लग रहे हैं। पूरा महल भी पत्थर से ही बना हुआ है, इसका तहखाना भी सब कुछ पत्थर से ही बना हुआ है। इस साइड पहले आके आप लोगों को दिखाई दिया था। इस साइड से आपको दिखाई दिया था। लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब इन तेज रोशनी सी है इन पे, अच्छे चमकदार हैं ये सारे, इधर के जो नीचे फर्श के लिए हैं, बाकी ऊपर के नहीं है। इस फिरोज शाह के तहखाने से बाहर आ चुके हैं। इस साइड ये है, ये इसके बारे में आप पढ़ लेना, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में, आप सभी आराम से देख लेना। कुछ सेकंड के लिए मैं वीडियो चालू रख देता हूँ। फिरोज शाह का महल तो आपको दिखाई दिया है, बाकी अभी देखते हैं किस साइड चलते हैं, कोई अच्छी सी जगह देख के चलते हैं। अभी मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। साइड देखा तो बंद कर रखा था, यहाँ पे इन्होंने इसी महल में स्कूल बना दिया, और ये काफी इधर काफी दूर में फैला हुआ है, वहाँ तक है वहाँ, मुझे अभी अब भी वहाँ दिख रहा है, लेकिन वहाँ से इन्होंने कर रखा है। गाइस तो उसके बाद जो हिसार का सबसे बड़ा पार्क था उसमें आए हुए थे, तो अभी आपको दिखाता हूँ वो पार्क। शुरुआत है पहले व्यू, काफी अच्छी है, और पार्क भी काफी अच्छा है, सबसे बड़ा पार्क है हिसार का। तो वो है बुड्ढो है जो उड़े भी बैठा था और बड़े भी बैठे है, मैं बता रहा वो है बुड्ढा है। बाकी अभी चलते हैं उस साइड, देखते हैं क्या क्या है इस पार्क में।
व्लॉग में बने रहो, स्वाद लियो लियो। यो काफी ऊंचा है साला। तो गाइस इसमें लिफ्ट है, तो अभी ऊपर चलेंगे। पैड़ी भी है। यस, तो अभी इसके ऊपर ही चलते हैं। गाइस इसकी लिफ्ट भी बंद है और इसमें यहाँ पे भी ताला लगा रखा है, पैड़ी से भी नहीं जा सकते हैं। और बाकी वहां से जाके आपको पूरा इशारे दिखा देता, अच्छे से दिख जाता तरकी दादरी सब कुछ। लेकिन अभी ये बंद है, जाने नहीं दे रही। इस पे काफी ऊपर चले जाते लेकिन अभी जाने नहीं दे रही हैं। और अभी दिखाता हूँ आपको पुरानी पुरानी गाड़िया। ट्रैक्टर काफी पुरानी है। कौन सा टाइम को ट्रैक्टर है? यूँ दे रो ना भाई, मेरे जो पहले ट्रैक्टर ही होगी। टार्जन गाड़ी है इसमें तो। देखियो अभी ये रात को सारी शीशे को तोड़ तोड़ के भगेंगी। तो ये है सबसे पुराना ट्रैक्टर जो इस पार्क में लगा रखा है। पता नहीं कौन सा कब का है, लेकिन इन्होंने लगा रखा है। गाड़ी नंबर प्लेट देखा? नंबर प्लेट तो देख लो, तो पता नहीं है ना किस वजह से ये गाड़ी खड़ी कर रखी है। देख लो भाई, भाई जान को मन तो उच्च है उत, लेकिन के करा गाई जा ही नहीं सकते, नहीं तो मजा सा आ जाता। देख लो ये पीछे वो कार खड़ी है, पहली पता नहीं क्या है। और बाकी जाने का मन तो इस पे था, इस पे चले जाते तो स्वाद सा आ जाता, गति जमा गच बैठ जाता काम। लेकिन अब की एक चलो कोई नहीं, हमने दिखावांगे पाइज। तो अभी आप देख सकते हैं रात का टाइम हो चुका है और अभी भी हम इस पार्क में ही हैं। बाकी हमारा एक छोटा सा काम अटका हुआ है, अगर वो हो जाता है तो अभी हम घर निकलेंगे, नहीं तो फिर रात को यहीं रुकने का प्लान है। बाकी अभी चलते हैं, एक पार्क और है उसमें, फिर देखते हैं आगे घर जाते हैं या यहीं इशार में रुकते हैं। अभी मधुबन पार्क में आए हैं। आज हमने ठान लिया पूरा इशार देखना है, तो इशार देख के ही जाएंगे। यहाँ सारी चीज सही है, यहाँ का पार्क भी सब देख दिया, यहाँ की जो बड़ी बड़ी चीज थी। बाकी अभी ये पार्क है, इसमें कुछ खास है नहीं, तो देखते हैं अभी क्या रहता है आगे का शेड्यूल क्या रहता है। बाकी सपोर्ट करो आप और बताओ नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का लिख के आऊँ। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग तो मुझे पता है, जो आपके कमेंट्स है उनका रिप्लाई आना है, तो नेक्स्ट व्लॉग लुक को का आना है।